कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो भाजपा दिग्गजों के बीच अब लड़ाई पार पार के हालत तक पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीते दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी हार के लिए सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम को न सिर्फ जिम्मेदार बता दिया बल्कि उनके लिए शिखंडी जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। उनकी एजुकेशन पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए और अंत में संजीव बालियान ने यह शेर पढ़ते हुए चेताया कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर न बना लेना, मैं समुद्र हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। और आज संगीत सोम ने इस शेर का यह कहते हुए जवाब दिया कि पत्थर पर सिर पटकने से कुछ नहीं होता, समुद्र को वापस आना है नहीं आना है यह उसे पता होगा। जहां तक बात उन्हें शिखंडी कहने की है तो उनके माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वह किसी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करें। इसके अलावा संगीत सोम ने यह भी कहा कि यह संजीव बालियान को देखना है वह अपने गांव में अपने क्षेत्र में ही क्यों हार गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही संगीत सोम की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर करोड़ों की कमाई करने, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने, जमीनों की खरीद करने व आपराधिक मामलों में शामिल होने जैसे संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें पूरे उन्होंने उस प्रेस नोट में पूरे 20 पॉइंट दिए हैं जो गंभीर आरोप पर केंद्रित है। पहले देखिए क्या कहा था संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, मैं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए या प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि इतने से बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी उस पर ख्याल ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है स्तर? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, दो बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ, कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। अब देखिए संगीत सोम को मीडिया को संबोधित करते हुए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और NDO को इतना बम्पर बोर्ड देके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारी पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई, मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पर मुकदमे हुए, मुझ पर खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए, मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है।
चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पर मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पर बराबर रही, हार के नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30,000 से 40,000 वोटों के मार्जिन से जीतती है, लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते हैं। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30,000 से 40,000 मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2,000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पर हारे हैं। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है, अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखेंगे। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था, कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा। के मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पर चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बस्ते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता रहूंगा। हार जो है भीतरघात की वजह से हुई और विभीषण बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है, वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग रहा है, कितना जायज। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। बालियान कह रहे हैं मेरा पानी उतरने दे, किनारे पर अपना घर मत बना लेना, तो लौट कर फिर आऊंगा। ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा।
अच्छा सर एक बात सुनता हूँ, आपने जैसे कहा कि कोई भी अगर बात की तो उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए था, तो आपने भी एक कमेंट बड़ा ओपन में किया था कि उनका स्तर इस लायक नहीं है कि मेरे से बात कर सके। आपने मेरा वो बयान सुना होगा, शायद आपका आपने ये बात नोट नहीं करी होगी कि मैंने वो बयान कब दिया था। उन्होंने दो दिन पहले कहा था कि संगी सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं कभी विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूं, और उसी का कारण है मैं हारने के बाद भी मैं 12 में जीता। जितनी वोट मिली उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट मुझे उसके बाद मिली, 17 में मिली, और 17 में जितनी वोट मुझे मिली उससे 10,000 करीब वोट ज्यादा मुझे 22 में मिली। अगर मैं विनाश की राजनीति कर रहा होता तो लोगों का आशीर्वाद मुझे बढ़ता नहीं, वो अलग विषय है, हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन मेरा वोटों का ग्राफ कभी नहीं गिरा। आपके बूथ पे ही आधी वोट मिली है पिछली बार से, आपके बूथ पे। देखिए मेरा बूथ पूरी सरधना विधानसभा है, आप एक बूथ की बात नहीं कर सकते। अगर ये बात आप करेंगे तो हमारी विधानसभा बुढ़ाना में एक सोरम गांव है, वो हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं, और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहां गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहां हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं। तो ये तो अलग विषय है, कौन कहां हारा है जीता है। मैं सरधना विधानसभा की बात कर सकता हूं कि सरधना विधानसभा में मैंने चुनाव नहीं हारा। बालियान जी आप सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो नाराजगी भी वो भारी पड़ी है। देखिए अगर आप ठाकुरों की नाराजगी की बात करेंगे तो मैंने कहा विपरीत परिस्थिति के बाद लोगों की नाराजगी के बाद भी हमने विधानसभा नहीं हार ली। बालियान जी आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़े का, अब ये उनका विषय है वो क्या कर रहे हैं। सुरक्षा कोई ओब्लिकेशन नहीं होता, सुरक्षा अगर 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 आप मेरी बात सुने, हाथ तो मैं सबसे मिलाऊंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर मुझे हरेंद्र मलिक मिलेंगे उनसे भी हाथ मिलाऊंगा, मुझे देश का कोई और बसपा का नेता मिलेगा उससे भी हाथ मिलाऊंगा, मैं दुश्मनी किसी से नहीं करता, मेरी सबसे दोस्ती होती है। तो आरोप लगाया और सरकारी सुविधाओं का अपमान किया, आपने आनंद ले रहे। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, सुरक्षा सुविधा नहीं होती, सुरक्षा इंटेलिजेंस की देन होती है, वो सरकार की नहीं, वो तो विपक्ष के नेताओं को भी मिली होती है, इतनी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए। बालियान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि उनकी हार में बड़ा मुद्दा था जो वोट्स में डिवीजन का हुआ, इसको आप भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखें। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू वोटों का ना निकलना, कम निकलना, डिवीजन भी बोला उन्होंने, मैंने बता रहा हूँ हिंदू वोटों का कम निकलना, किसी कारणवश उनमें डिवीजन होना, ये हार का बड़ा कारण। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। आरएलडी के डिवीजन को भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं ये मैंने आपको बताया, ये पार्टी का विषय है, पार्टी इस पर चिंतन मनन कर रही है और पार्टी इस पर देख रही है कि ये डिवीजन क्यों हुआ। चिंता का विषय है ये, हमारे लिए चिंता का विषय। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए कल बाय। नमस्कार।